तो भाई देखिए इस तरह से इसको दिनार। हाय गाइस, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके और मेरे चैनल पे जिसका नाम है अश्मीरा ब्लॉग्स। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है और आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ नासिर, ये नासिर है और ये तो इसका मालूम है मैनेजर। ओह माय गॉड, इट्स मैनेजर। और मेरे साथ सलमान भी है, हमें गाड़ी चला रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं पढ़ते मेरा भाई। डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं देवनार। क्यों जा रहे हैं भाई देवनार? इसके लिए तो हकीके के लिए लेने जा रहे हैं बकरा, यानी कि गोट। गोट अरे सामने से टकले कि तेरे सामने से टकला मेरे को बोलता, आगे से मुद्दा खुद है। तो गाइस जा रहे हैं अभी हम लोग रिक्शा लिए और तकरीबन अभी बज रहे हैं 12:30 और 1:30 बजे तक वहां पर पहुंचेंगे। और इतनी ठंड है मुंबई में कि मैं क्या बोलूं, हम दुबई में आए, इतनी ठंड है कि हम लोग सोच रहे आगे से ना स्वेटर वेटर ले ले। क्या बोल रहा है सलमान, सही बोला ना पंडे? बहुत ज्यादा ठंडी है ना, ऐसा लग रहा है मुंबई खाली ना बंदा। आज यहाँ पर देखो कितनी फास्ट गाड़ी दौड़ रही है पूरी सलमान नो चला सलमान नो चला भाई, एकदम फास्ट गाड़ी चल रही है। यहाँ पर ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गाइस देखो पूरी तरह से ट्रैफिक है, जाम हो चुका है यहाँ पर, जिम जाम जाम। और यहाँ से चलने वाले लोग के लिए गुजारिश है कृपया अपना रोड क्रॉस मत करें क्योंकि गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है। तो गाइस गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है तो इसके लिए थोड़ी सी हवा की आपको मेरी वॉइस थोड़ा कैंसिलेशन मिल सकता है आपको। एकदम क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर गूंज रही है, एकदम क्लियर वॉइस आ रही है। तो गाइस चलते हैं वहां पर देवनार और मिलते हैं। मैं भी शायद तकरीबन 1 साल के बाद देवनार जा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम देवनार जाने का देवनार शरीफ हम लोग बकरीद के टाइम पे जाते हैं। अभी चलते हैं इस बार साल के बीच में, देखेंगे वहाँ पे बकरे आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो गोट लवर प्लीज लाइक इट। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर और इतनी सारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग पहुंचे हैं धक्का गेट पर। वहाँ पे सलमान नासिर लोग वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं अभी देखते हैं वहाँ पे। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि देखिए वो है वहाँ का मेन गेट। अगर आप बकरीद के टाइम पे आते हो तो ये पूरे एरिया में यहाँ पर टेंट लगा होता है और मेन जो बकरा रहता है नॉर्मल टाइम पर देवनार की मंडी में, ये यहाँ पर जो टेंट लगा है पीछे ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे कुछ और बकरे भी आ रहे हैं, सब छोटे छोटे बकरे हैं। तो जितनी गर्मी है उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ना डर्मी कुल भी काम नहीं करने वाला। तो गाइस देख सकते हैं ये है देवनार की मंडी, आज शनिचर का दिन है, यहाँ पर बहुत सारे बकरे हैं। अंडूले वो गाइस मेरे हिसाब से तो आज का जो मार्केट है वो शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण बहुत लो है। क्या बोल रहा था ना, एकदम लो है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था मेरा उससे तो बहुत कम भाव बोल रहे लोग, लेकिन अपन इंशाल्लाह उससे भी और कम भाव में उतारने की कोशिश करेंगे। एक बकरा देखा लेकिन पूरा मार्केट जो है ना वो अंडूल का है और जो अंडूल लवर है वो शायद बकरी से पहले ये टाइम पे अगर तुम्हारे पास जगह है लेने के लिए रखने के लिए बकरा तो आप लोग देख सकते हो। तो भाई देखिए इस तरह से इसको देवनार की मंडी में ऐसे बकरे रखे जाते हैं यहाँ पे। तो भाई देखिए ये 3 बकरे हैं लेकिन ये इसका 32,000 रुपये, इसका भी 32,000 रुपये, इसका 26,000 रुपये। ये भाई व्यापारी है, इनके 3 बकरे भाव मैंने एक बकरे का 16,000 रुपये बोला, इनको परवड़ा नहीं। देखते हैं अभी आगे बकरा देखिए कुछ। इस हिसाब से गर्मी है गाइस, देख सकते हैं
हम लोग का नींबू पानी है, कुछ भी नींबू उम्बू पानी कुछ भी नहीं है। बकरा आसमान छू रहे भाई, बकरी से पहले मतलब नहीं, मेरे को अभी तक जो भाव दिखा ना वो थोड़ा लिमिटेड दिखा, वो एक ही व्यापारी अभी हमने देखा वो बहुत ज़्यादा भाव बोला क्योंकि उसके पास बकरे नहीं है। 55,000 वाला वो तो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो गाइस अभी लिए है छाछ पी रहे हम लोग, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी भारी ट्रेजेडी थी कि भाई मैं क्या ही बोलूँ, वो बंदा तो सीधा 35,000 रुपये ले, 22,000 रुपये ले, देरी तो दे गाली बलोच कर दी लाए, नहीं देरी 21,500 लिया खत्म किया। गाइस मैं बकरा दिखा था हम लोग को, देखो ये बकरा है, एक्टिव बकरा एकदम, थोड़ा सा धूल मिल जाएगा। 35 किलो के ऊपर है ना? हाँ जिंदा 35 के नीचे ही है। तो गाइस फाइनली बकरा मिल चुका है और अपन बकरा लेके निकल चुके हैं, लेकिन ये बकरे का एक प्रॉब्लम ये कि इसके बाल झड़ रहे हैं, साबज कैसा हाल है इसका ये हमारे सारे आ गए बाल झड़ रहे, लेकिन मेरे हिसाब से बकरे बहुत अच्छा मिला, जिंदा बकरे मेरे हिसाब से ये 35 से 40 किलो है, लेकिन कटने के बाद पता चलेगा ये कितना, 30 किलो के आसपास तो इसका गोश्त निकलेगा, 30 तो निकलना चाहिए, निकलेगा भी इंशाल्लाह निकल जाएगा। और अब पहुंच जा रहे हैं घर पर बकरा लेकर, हालत तो बहुत खराब हो गई ठंडी के मारे, अरे बैठ रहा नहीं है नीचे, बहुत दुख दे रहा है। बोला था स्वेटर 2-3 ले लो, स्वेटर ही नहीं लिया तुम लोग ने, बहुत ठंडी लगी, ठंडी के मारे हालत खराब हो चुकी है, ठंडी बोल रही मेरा काम। और अब निकले थे हम लोग, निकले थे हम लोग कुछ 12:30 बजे के आसपास, और अब बज रहे 3:10 और हम लोग चल रहे हैं घर पे। क्या बोलते सलमान, थक गया ना? ठंडी में कहाँ थकान होती है, ठंडी में थकान नहीं होती है, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में ठंडी होती है। तो गाइस फाइनली बैठ चुका है ये यहाँ पर, इंशाल्लाह आप सीधा मालवणी में उठेगा ये। तो वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है लेकिन ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, मैं जब सौदा करने के टाइम पे वीडियो इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि वो लेडीज़ थी और सौदा बहुत खतरनाक हुआ था, निकल बोले 500 ले चल निकल, बेचारे को धक्का दे के भगाए व्यापारी औरत थी, क्या धक्का दे दे के भगाया बंदे ने, वो हेडशॉप है बंदे को। तो गाइस अब बारी आ चुकी है वीडियो को यहीं पर एंड करने की, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और अश्मिरा ब्लॉग, और जो भी चैनल पर आज नए आए उन लोग को क्या करने का फटाफट, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आपके हिसाब से बकरा कितने में मिलना चाहिए था ये कमेंट करके बताएं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और अश्मिरा ब्लॉग्स, बाय।